हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम करने वाले हैं बोया BY M1 की अनबॉक्सिंग। सो आगे चलने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये है बोया BY M1। ये बेस्ट है फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैंने ये आज ही अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। डिटेल में लेते हैं, फीचर्स हैं क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC, ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइस, इंक्लूड लेपल क्लिप, अलाइडेबल फॉर बैटरी, फोम विंड स्क्रीन एंड एडाप्टर। चलो अब इसे ओपन करते हैं। ये हैं यूजर मैनुअल और ये दिया हुआ है वारंटी कार्ड। स्टिकर्स, ये है बोया का पाउच, बहुत अच्छा पाउच है, अच्छी क्वालिटी का है। ये एक्स्ट्रा कनेक्टर दिया हुआ है कैमकॉर्डर और अदर्स के लिए। ये LR44 बैटरी, और यह है फोम विंड स्क्रीन। ये क्लोथिंग क्लिप, और यह है डिवाइस। 20 फुट इसकी वायर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर है बोया के टैग के साथ। ये अब इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसको ऐसे खोलना है। ये प्लस, ये माइनस। ये बैटरी का ये हिस्सा प्लस साइन बना हुआ है, प्लस को प्लस की साइड लगाइए। ऐसे लगाने के बाद इसको आप ऐसे घुमा लीजिए। ये है माइक, इस पे आप फोम ऐड कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ये है आपका क्लिप, क्लिप में आप इसको फिट कर लीजिए और ऐसे कहीं भी अपने शर्ट पे, पॉकेट पे या कॉलर पे कहीं भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। LR44 बैटरी लगती है इसमें। ये जो ऑप्शन है, ये अगर आप इसे ऊपर करेंगे तो ये कैमरा या कैमकॉर्डर वगैरह के लिए है, नीचे करेंगे तो स्मार्टफोन के लिए है। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है जिससे हमारी आवाज़ फिल्टर होती है। मुझे ये अमेजोन से अराउंड 679 का मिला, तो मोस्टली ये 600-800 के बीच मिल जाता है अमेजोन पे, और बेस्ट है फॉर यूट्यूब वीडियोस एंड प्रेजेंटेशंस और रिकॉर्डिंग के लिए। इसे टेस्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करिए, रिकॉर्डिंग। और जब भी आप इसे ऑन करेंगे जैक ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे दिखाएगा रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रो हेडसेट दिखाएगा। इसका मीनिंग कनेक्ट हो गया है। कुछ फ़ोन को ये सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आपकी ये फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप एक ऐप आता है ओपन कैमरा, ओपन कैमरा ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो उसके थ्रू ही आपका इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये एक ऑप्शनल ऐप है। अब हम कनेक्ट करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग परपज ओनली। मैं सुनाता हूँ आपको रिकॉर्डेड साउंड। परपज ओनली
टेस्टिंग परपज ओनली। और कैरी करने के लिए बहुत छोटा सा पाउच है, इजिली कैरी आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। बस जो वायर काफी फ्लेक्सिबल है इसलिए आप पुट करिए, कहीं भी कैरी कर लीजिए। ये बहुत बेस्ट टेंडर बजट ऐसे करके। 1 ईयर वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है बोया की तरफ से, तो नो इशू अंडर 1 ईयर। ये मैनुअल है, यूजर मैनुअल। बाकी इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि आपने कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से आप इसके इनके फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा कनेक्टर है उसका यूज़ कैसे करना है आपको, कैमकॉर्डर या लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह पे। लैपटॉप पे भी अगर आपका जैक सिंगल जैक वाला अगर आपके लैपटॉप में है आपके विद माइक वाला, तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर अदर पोर्ट है तो उसके लिए फिर आपको जैक दूसरा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैक ये है, आप इसको ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में कुछ और यूज होता है तो आप इसका एक कनेक्टर एक्स्ट्रा मार्केट से ले सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स गाइज, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और इन केस एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।